जय हो भगवान। तो गाइस ये है हमारी धर्मशाला थी, यहाँ पे एक मंदिर है बहुत ही प्यारा, तो पहले दर्शन करेंगे इस मंदिर के। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस। तो गाइस अभी हम ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पे कृष्ण भगवान जी रण छोड़ के भागे थे, और उसको बोला जाता है मंदिर को रण छोड़ भगवान। तो अभी वही मंदिर के दर्शन कराएंगे, देख बने रहने दो। तो यहाँ पार्किंग में भाई ऐसा मंदिर था बहुत अच्छा, चलो गाइज अभी हम रणछोड़ दास मंदिर में आ गए हैं, जब कृष्ण भगवान रण छोड़ के भागे थे वो मंदिर है गाइज ये, और उस मंदिर के दर्शन आपको करवाने वाले हैं। श्री राम जय राम जी। तो गाइज इन रेलिंगों से गुजरना पड़ता है मंदिर पहुंचने के लिए, काफी सारी लंबी लाइनें लगी होती है हर जगह भाई, लाइनों का तो मानो पूछो मत, तो बहुत लंबी लंबी लाइनें थी, और हम लोग इन लाइनों से गुजरते हैं ऐसे, और देखो सारे लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं कृष्ण भगवान के मंदिर, रणछोड़ दास मंदिर है, और इसकी कहानी आपको बातें बताऊंगा क्यों आया, क्यों इस मंदिर का रणछोड़ दास मंदिर नाम पड़ा था। चलो भाई आ जाओ, चलते हैं अंदर, ये इधर हो रहा है फोटो शूट, देखो हमारे मुकेश जी कर रहे हैं फोटो शूट। तो गाइस ये मंदिर है रणछोड़ दास मंदिर कृष्ण भगवान का। वाह यार मंदिर तो बहुत अच्छा है, देखो गाइस ये क्या बनाते हैं यहाँ पे, हर मंदिर के सामने ये बनता है और इस पे दीपक जलाया जाता है देखो, और बहुत बड़ा रहता है ये। ये देखो इधर भी है, वाह। चलो ये गाइस मंदिर है, सबसे पहले आपको कृष्ण भगवान के दर्शन करवाते हैं। ये रणछोड़ दास मंदिर है, जब कृष्ण भगवान धर के रण छोड़ के भाग के आ गए थे भाई, वो मंदिर है ये, यहाँ पे ठहरे थे, और गाइस आप लोगों के दर्शन करवाते हैं रणछोड़ दास मंदिर के। वाओ मंदिर बहुत प्यारा है गाइस, ये देखो ऊपर का व्यू। तो गाइज ये मंदिर है रणछोड़ दास मंदिर, और गाइज आपको बता दूं वैसे कृष्ण कन्हैया के काफ़ी सारे नाम है, लेकिन उन नामों में एक नाम ये है रणछोड़ दास। तो गाइज रणछोड़ दास नाम क्यों पड़ा कृष्ण भगवान का, क्योंकि जब पापी कंस, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था पापी कंस को मारने के लिए, जब कंस को मारने के बाद कंस के ससुर जरासंत ने कृष्ण भगवान को युद्ध के लिए ललकारा, जब कृष्ण भगवान ने सोचा कि मथुरा में लड़ना ये थोड़ा ठीक नहीं है, तो कृष्ण भगवान और बलराम दोनों एक साथ वहाँ से आ गए। तो आने के बाद उन्होंने, जो जरासंत था उसने कृष्ण भगवान का नाम दिया वहाँ से कि रणछोड़ दास, क्योंकि रणछोड़ दास का मतलब है कृष्ण भगवान रण छोड़ के आ गए, यानी कि युद्ध का मैदान छोड़कर आ गए थे, इसलिए कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़ दास। तो गाइज ये वही मंदिर है रणछोड़ दास मंदिर है, रणछोड़ दास मंदिर में हम सारे यात्री आए हैं अच्छे से दर्शन किए कृष्ण भगवान के, और ये मंदिर आप देख सकते हो, बस इस मंदिर का नाम यही है रणछोड़ दास, और यहाँ के लोग इसी नाम से बोलते हैं कि रणछोड़ दास मंदिर है ये। तो गाइज इस वजह से रणछोड़ दास मंदिर का नाम और कृष्ण भगवान का नाम, इसलिए ये नाम पड़ा था कि रणछोड़ दास है। और गाइज बस यही कहानी थी, मुझे भी थोड़ी सी कहानी इधर उधर से सुन के यूट्यूब पे सीख के मैंने आपको बताई है। तो गाइज अगर कुछ गलती भी हो तो भाई क्षमा करना, माफ़ करना, क्योंकि मेरे को भी इतनी कहानी पता नहीं थी, बाकी मैंने बताया कि ये इस वजह से नाम है रणछोड़ दास, क्योंकि जरासंध ने युद्ध के लिए कृष्ण भगवान को ललकारा था, और कृष्ण भगवान ने सोचा कि मथुरा में इनसे लड़ना थोड़ा ठीक नहीं है, तो ये वहाँ से रण छोड़ के आ गए थे, तो उन्होंने फिर कृष्ण भगवान का नाम दिया था रणछोड़ दास, क्योंकि ये रणभूमि यानी कि युद्ध का मैदान छोड़कर आ गए, तो यहाँ पे रणछोड़ दास नाम का मंदिर बन गया गाइस, ये देख सकते हो। तो ये मंदिर वही है भाई रणछोड़ दास, और भाई सारे यात्री आए दर्शन किए अच्छे से, और भाई क्या बताए, बाकी सब बढ़िया है, मस्त है। तो गाइस ये देखो यहाँ पे, वाह यार लकड़ी के चम्मच कितने अच्छे अच्छे, और हर चीज़ मिलेगी देखो, ये भाई ये देखो कान्हा जी के लिए खटिया, वो
पूरी दुकान है इस चीजों की। तो गाइज कृष्ण भगवान के मंदिर जाके आ गए और यहाँ पे भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर भी है, वो भी आपको दिखा दूं भाई, बहुत ही प्यारा मंदिर है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। और सभी समाज के सहयोग से बनाया, मैंने बातचीत की पूजा से तो उन्होंने बताया। अच्छा, तो ये भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर है। भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर है। तो ये चांदी और सोने का बना हुआ शायद ना, सोने का बना हुआ है, गेट चांदी का और मंदिर सोने का है, आप देख सकते हो। और भगवान विश्वकर्मा जी के ये क्या चीज, ये मतलब ये बतख है, बतख बतख की सवारी है भगवान विश्वकर्मा की, मोर की, मोर की क्या? हाँ, आम दिया था नाम क्या है, वहाँ तो बतख की होगी, ब्रह्मा विष्णु। ये भाई मोर की, देखो मोर की है, मोर की तस्वीरें है। और ये गाइस बहुत प्यारी धर्मशाला है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो भाई कृष्ण भगवान जी के मंदिर जाके आए थे, ये देखो रणछोड़दास। तो गाइस भगवान रणछोड़दास जी कृष्ण भगवान के मंदिर में हम जाके आए थे और उसके बाद यहाँ पे भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर भी दिखा, बहुत अच्छा लगा। और ये गुरु महाराज की भी मूर्ति यहाँ पे बनाई गई। हाँ तो भाई आज के खाने में नमकीन और दाना, और ये देखो इधर पूड़ी के लिए आटे को तैयार किया जा रहा है, और ये देखो भाई इधर निकल रही है पूड़ी, गर्मा गर्म पूड़ी सभी यात्रियों के लिए आज। ये देखो अपने हलवाई साहब किस तरीके से निकाल रहे हैं, वाह यार, ये देखो देखो भाई। और इधर बन रही है रोटी, भाई जो पूड़ी नहीं खाता है उनके लिए रोटी सब्जी भी है। ये देखो इधर रोटी बन रही है, ये लोग रोटी बना रहे हैं भाई मस्ती करते करते। और इधर हमारे लल्लू जी ले रहे हैं भाई ये रोटी, है देखो। और इधर हमारे लल्लू जी देखो भाई रायता ले रहे हैं, रायता ये देखो। तो आज रायता भी बहुत ही अच्छा बना था, सारे यात्री दबा के पिए भाई रायता। और ये टमाटर आलू मिर्ची प्याज और इनकी सब्जी। और आज ये देखो आज का धर्मशाला का सीन, ये सारे हलवाई इधर लग रहे हैं, ये देखो भाई सारे हलवाई बहुत अच्छे से सारे यात्री खाना खा रहे हैं। और आज का खाना, और भाई आज का खाना गुजरात में रणछोड़ राय मंदिर डाकोर, और भाई यहाँ पे सारे यात्री कृष्ण भगवान का मंदिर था, जो वो मंदिर था जब कृष्ण भगवान जी रण छोड़ के भागे थे। तो यहाँ पे रणछोड़ मंदिर है यहाँ पे भाई गुजरात में आज। तो गुजरात में आज खाना इनकी तरफ से था, भरत कुमार, रमेश चंद्र शर्मा, राम जो रामगढ़ पचवाड़ा के रहने वाले हैं भाई, इन्होंने आज यहाँ का खाना सभी यात्रियों के लिए बनाया था और बहुत ही अच्छा खाना लगा। और ये देखो भाई गाड़ियों का पार्किंग, ये सारी गाड़ियाँ इधर भी खड़ी है और आधी गाड़ियाँ इधर खड़ी है। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा मंदिर था, सारे यात्री गए मंदिर में दर्शन करे कृष्ण भगवान के और बड़े खुश रहे, नहा धो के आए। और ये देखो भाई आज की थाली कुछ इस तरीके से सजी, पूड़ी नमकीन दाना और रायता सब। तो गाइस रणछोड़दास मंदिर से आने के बाद हम 3-4 घंटे का सफ़र तय किए, और 3-4 घंटे चलने के बाद भाई एक मंदिर और मिल गया, क्योंकि शाम हो गई थी और सभी यात्रियों को शाम को खाना भी खाना था। और हम सुबह वहाँ से 12 बजे खाना खा के चल दिए थे रणछोड़दास मंदिर से गुजरात से। तो गाइस यह शाम हो गई थी, शाम के 6 के समथिंग टाइम हो गया था, सभी यात्रियों को खाना भी खाना था शाम को। तो ये मंदिर बहुत ही चंगा लगा, पहले मंदिर के दर्शन करे, दर्शन करते करते शाम हो गई। तो गाइस ये देखो मंदिर कितना प्यारा है, देखो बहुत ही प्यारा है सच में यार, मज़ा आ गया। ये है मंदिर, ये देखो, ओह गाइस ये देखो, ये है ब्रह्मा का मंदिर। ब्रह्मा का मंदिर में कुछ मूर्तियाँ और भी लगी हुई थी दोनों साइड, ये है देखो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का मंदिर है गाइस, दर्शन कर लो यार, बहुत ही अच्छा मंदिर था। तीनों मंदिर है जॉइंट में, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कुछ मूर्तियाँ इधर साइड में भी लगी हुई थी, ये देखो, ये देखते जाओ गए देखते जाओ, बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई है और बहुत ही अच्छा मंदिर था ये। और फिर गाइस इस मंदिर के बाद हम चलते हैं सीधे दूसरे मंदिर में। तो गाइस ये दूसरा मंदिर आ गया, इस मंदिर में भी कुछ मूर्तियाँ लगी हुई है, दो मूर्तियाँ साइड में लगी हुई थी, मतलब दोनों साइड दो दो मूर्तियाँ साइड में लगी हुई है। और ये देखो
महेश यानी शिव जी का मंदिर, शिवलिंग है गाइस, बहुत बड़ा शिवलिंग। और जस्ट शिवलिंग के सामने आपको दिखाएंगे नाडिया जी की मूर्ति यानी कि नंदी बाबा। और ये भी मंदिर की डिज़ाइन आप देख सकते हो, वही सेम डिज़ाइन है गाइस। सब छत की डिज़ाइन तीनों मंदिरों की सेम है, तीनों मंदिर जॉइंट में। और ये देखो बाहर कुछ मूर्तियाँ लगी हुई है, सारे यात्री दर्शन कर रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर था, पुराना मंदिर था गाइस, नहीं नया मंदिर, काफ़ी पुराना मंदिर था। और ये देखो गाइस नंदी बाबा, तो मैंने भी नंदी बाबा का नहीं बोला, और नंदी बाबा के सामने कछुए की फ़ोटो भी लगी हुई थी। और अभी हम जा रहे हैं कौन से मंदिर, यानी कि ब्रह्मा महेश और विष्णु। तो गाइस ये आ गए हम विष्णु के मंदिर में, विष्णु भगवान का मंदिर भी था, यानी कि तीनों मंदिर जॉइंट में, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इधर भी साइड में कुछ मूर्तियाँ लगी हुई थी, ये देखो गाइस दोनों तरफ सारे यात्री आना ऐसे बहुत ही बढ़िया तरीके से देख रहे थे, वाह यार कितना अच्छा मंदिर है, कितना अच्छा मंदिर है। तो गाइस ये देखो विष्णु भगवान, तो भाई दर्शन कर लो आराम से। ये देखो भाई कितनी प्यारी मूर्तियाँ ना, देखते जाओ, बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं। और गाइस फिर चलो आपको बाहर चल के बाहर का मंदिर का व्यू दिखाते हैं कि मेन फ्रंट मंदिर कैसा दिखता है। गाइस ये है ब्रह्मा महेश विष्णु, यानी कि तीनों मंदिर एक ही मंदिर में है गाइस। और बहुत ही प्यारा सीन है, ये देखो गाइस तीनों मंदिर एक जॉइंट में, और ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर है। तो सच में भाई बहुत ही प्यारा मंदिर है, आपको बाहर से भी व्यू दिखाएंगे कितना प्यारा मंदिर है। तो गाइस ये कुछ डिजाइन भी अच्छी बना रखी है, और काफ़ी एरिया है मंदिर का, चारों तरफ बाउंड्री कर रखी है, और बहुत ही चंगा चंगा कर रखा है भाई, सच में बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो गाइस अब आपको समझा दूँ मंदिर कुछ इस तरीके से, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा मेरे को। तो गाइज आज है 29 तारीख, और सारे यात्री, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर था, यहाँ पे मंदिर में अच्छे से सभी ने दर्शन किए, और यहीं दर्शन करके यहीं खाना बनाने की तैयारी कर दी। तो ये देखो हर्बल काचरी की सब्जी बनी, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये सारे हलवा इधर रोटी बना रहे हैं, ये देखो गाइज वाह बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी रोटी सेकते हैं। और गाइज इधर सारे यात्री बैठ के खाना खा रहे हैं, और खाना खा के भाई इंजॉय कर रहे हैं सब लोग, और बड़े धूमधाम से खा रहे हैं। आज 29 तारीख है, सुबह हम पहुंच जाएंगे गड़गड़नार, और वहां हम चढ़ेंगे 11,000 सीढ़ी। तो गाइस सुबह जल्दी पहुंचेंगे, नहा धो के मंदिर चढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे 11,000 कुछ सीढ़ियां हैं, तो जाने में और आने में बहुत टाइम लगेगा। ये पानी के कैंपर रखे सभी यात्रियों के लिए, सभी की गाड़ी में भी एक एक कैंपर रख दिया जाता है, जब रात को पानी की जरूरत पड़ती है तो अपनी अपनी गाड़ियों से पानी ले लेते हैं, बाकी गाड़ियों की डिग्गी में कैंपर भरे पड़े। ये सब खाना वाना खा के इधर आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि सारे एक साथ खाना खा के फिर चलेंगे। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर था, यहीं पर काफ़ी जगह थी, काफ़ी धर्मशाला भी थी, यहाँ पर होटल भी थी, तो ये बहुत अच्छी जगह लगी, पवित्र और सुंदर जगह थी, यहाँ पर सभी का मन लग गया, तो यहीं खाना खाया, यही खाना बनाया। ये खाना वाना खा के देखो रेस्ट कर रहे हैं। और भाई ये होटल का सीन था, यहाँ पे सारी बसें अंदर पार्किंग हो गई थी। अब खाना खा के अभी हम चल रहे हैं गड़गड़नार की तरफ, तो सुबह पहुँच जाएंगे गाइज़।